ऐसी इलाके में दो लोग चले जा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति के पास लालटेन था और दूसरे के पास कुछ नहीं। दोनों घंटों तक साथ चलते जाते हैं। आधी रात हो जाती है मगर गैर लालटेन वाले को इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसके हाथ तो खाली है, कि उसके पास तो कुछ नहीं है। और फिर जरूरत क्या, क्योंकि जितनी रोशनी उसको मिल रही होती है जिसके हाथ में लालटेन है, उतनी ही रोशनी उसको मिल रही होती है जिसके हाथ खाली, जिसके हाथ में कुछ नहीं। कुछ ऐसा ही होता है हम सबके साथ भी। इतने साल हम पेरेंट्स और टीचर्स की रोशनी में रहते हैं कि हमें इस बात का पता ही नहीं चलता कि रोशनी तो किसी और की है, कि लालटेन तो किसी और के हाथ में है। जरूरत भी महसूस नहीं होती क्योंकि कोई कारण भी नहीं होता जरूरत महसूस होने का। और फिर चाहे कितना ही लंबा हो रास्ता, भले ही 14 साल क्यों ना लग जाए, पूरा तो कोताही है हो ही गए। जो रस्सी का एक सिरा दिख जाए, एक छोर दिख जाए, तो बहुत स्वाभाविक है कि दूसरा सिरा भी होगा ही, दिखाई नहीं पड़ता होगा, फैला होगा कहीं दूर तक वक्त में, लेकिन होगा जरूर। तो वो घड़ी आती है दोस्त, यू नो, जहाँ एक मिक्स ऑफ इमोशंस है, एक्साइटमेंट है कि व्हाट्स नेक्स्ट, कि एक नई राह पे निकलने का वक्त हुआ जा रहा है। तो फिर दुख भी है और साथ भी है, निराशा नहीं है, ममत्व है, अपना पद है कि 14 साल का साथ बस अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी चाहता है रोक सकूं तो रोक दो इस बहती धारा को, लेकिन जो हाथ में हो रेत तो मुट्ठी जितनी गहरी होती जाती है रेत उतनी ही तेज फिसलती रहती है। Perhaps is that moment to shake hands for a while and say a goodbye. बैक टू स्टोरी। दोनों घंटों तक साथ चलते जाते हैं कि वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर वो जगह आ गई जो आ ही जाती है जब राह में साथ चलने वाले राहियों की राह अलग हो जाती है। और फिर लालटेन वाले व्यक्ति ने कहा कि मेरा रास्ता अब तुमसे अलग होता है, कि मेरी नियत ही तुमसे अलग अलविदा, और आज नहीं तो कल शिक्षकों से, दोस्तों से, इस इंस्टीट्यूशन एज अ होल से विदा हो ही जाना। और शिक्षक या माँ बाप या कोई अन्य व्यक्ति जिसके हाथ में लालटेन सिंबॉलिकली तुम्हारी बैसाखी नहीं बनता, और ठीक ही है कि वैसा खेली बात कि जाना होगा कहीं दूर तुम्हें, कि तलाश है तुम्हें खुद, कि जीवन की खोज है तुम्हें, कि अपनी लालटेन तो तुम्हें ढूंढनी ही होगी, कि जीवन में एक संगीत, एक नृत्य, एक काव्य, एक छंद का आविर्भाव तो अपने ही प्रज्ञा से आता है, कि अपने ही रोशनी से आता है, कि चेहरे पे एक तेज, कि व्यक्तित्व में एक महिमा, उधार नहीं हो सकती, कहां हुई आज तक। लालटेन वाले व्यक्ति के चले जाने के बाद गैर लालटेन वाला व्यक्ति अभाव परेशान खड़ा रह जाता है। ऐसी समथिंग सिमिलर सिचुएशन वी आर इन, दीज आर दोज ब्लिसफुल मोमेंट व्हेन वी आर अबाउट टू पार्ट अवर वेज फ्रॉम द वेरी टॉर्च बेयरर्स ऑफ अवर लाइव्स, जिनकी रोशनी में हमने चलने का सलीखा सीखा, जिनके साथ हमने एक उम्र काटी, आज उस रोशनी से बिछड़ने का वक्त आ गया है। तो दुखी होना स्वाभाविक भी है। चले जाएंगे कहीं दूर हम सब, बाकी रहेंगे टच में, ये बात है सिर्फ कहने की, रह जाएंगी तो सिर्फ यादें। The so sweet of you are. Hey folks, I'm Akhilesh, is my friend Panchal. देखिए शब्दों की सीमा होती है, किसी एक भाव को उसकी समग्रता में शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। सीख लेते हैं हम भाषाएं शब्दावली, लेकिन किसी एक भाव को भी उसकी समग्रता में शब्द मात्र से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जो कि किया जा सकता था तो फिर आंसू क्यों होते, जो कि किया जा सकता तो फिर मुस्कान क्यों होते। आंसू परिवार है क्या आपके भीतर कुछ ऐसा कटा है जो शब्दों में नहीं, जो शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। इसीलिए तो संगीत का इतना जोर है, इसीलिए तो काव्य का इतना जोर है। तो कोशिश किया है कुछ प्रकट करते हैं आपके सामने एक काव्यात्मक रूप से, आशा है पसंद आएगा। आज
आज वक्त को रोकने का जी चाहता है। न जाने क्यों कुछ छूट जाने का डर लगता है। बच्चे बनकर भी तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने ही पराए थे हम सब। स्कूल के इन दिनों में हम एक हो गए, हंसने खेलने के बहाने ही तो हम दोस्त हो गए। 14 साल पहले इस सफर की शुरुआत हुई थी। कई साथ थे बचपन से, कईयों से कुछ 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। सूरज की किरणों से होती सुबह हमारी, और फिर क्या पूरे दिन स्कूल में दोस्ती यारी। याद आएगा हम सबको यूं कॉन्वेंट से बिछड़ जाने, वो बात करने के धुन में अटेंडेंस की अटेंडेंस खो जाना, वो अरविंद सर का पहला लेक्चर नींद हो जाना, और फिर 8 से 9 और लगाना, फिर अटेंडेंस ना मिलने पर सर को मस्का लगाना, वो अर्चना मैम की इकोनॉमिक्स की क्लासेस, वो पाठक सर की क्लास छोड़ के जारी नहीं माने। देखो पाइथन के कोर्स ने हमें बहुत सहाया, पर इन सारे सब्जेक्ट्स को अनु सर और सीजी मैम ने बड़े प्यार से पढ़ाया। वो अनु सर के एक एक क्लास का हिसाब बताना, बंक करके माँ बाप के पैसों में आग ना लगाना। वो गोविंद सर से हमने भारतीय संस्कृति को जाना, वो राकेश सर की दाढ़, जरी मैम का प्यार हम कहाँ देख पाएंगे, वो संगीता मैम की स्माइल, वो अंकित सर का स्टाइल, देखने को मगर बस यूं ही एक ख्याल सा था। याद आएगा फिर मॉनिटर बन के सबको सताना, अलग अलग नाम से दोस्तों को चिढ़ाना, मेरी बातों से अब परेशान होगा कौन, भाई अब तो चुप हो जा ये कहेगा कौन, कौन भी पूछे मेरा टिकट करेगा, टेक्निकल फाइल मेरा ही बना दे ये कौन करेगा, कौन खड़ा होकर ये नहीं वैसा करेगा, कौन क्लास के बीच में टिफिन खोलने को करे, ये समय भी लगता है कुछ यूं ही गुजर जाएगा, आज ये एक बार फिर मुझसे जीत जाएगा, इन गलियों में खेलते खेलते आज ये दिन भी आ गया, एक नए पड़ाव में जाने का वक्त भी आ गया, कुछ दिन ए दोस्त गुजरे की जिंदगी कुछ इस तरह जैसे कि इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं, ना कोई राह ना कोई मंजिल ना कोई रोशनी की सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा मैं कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हमनफस मगर बस यूं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता।